नमस्कार, मैं वीर। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद अब सभी की नज़रें बिहार विधानसभा चुनाव पर टिक गई है। जिस तरह से दिल्ली चुनाव का परिणाम आया है, उसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि कहीं दिल्ली चुनाव का साइड इफेक्ट बिहार के चुनाव पर ना पड़ जाए। लेकिन बिहार में बीजेपी के नेता हो या जेडीयू के, दोनों पार्टी के नेता साफ साफ लहजों में बोल रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से बिहार में एनडीए को दिल्ली वाली मुश्किलें नहीं आ सकती है, या फिर वो कौन कौन सी वजह हो सकती है जो एनडीए के लिए मददगार हो सकती है। दिल्ली में जनता ने विकास के नाम पर ही वोट किया और बिहार में एनडीए सीएम नीतीश कुमार के विकास के नाम पर ही वोट मांगने की तैयारी में है। यानी विकास का एजेंडा एनडीए के पास प्रमुख हथियार के तौर पर है। दिल्ली चुनाव परिणाम में भले ही एनडीए के पक्ष में ना रहा हो, लेकिन दिल्ली चुनाव परिणाम ने बिहार एनडीए की एकता पहली बार दिखाई पड़ी है। इसका असर बिहार में दिखेगा। जेडीयू बीजेपी के उग्र हिंदुत्व वाले बयान देने वाले नेताओं की वजह से असहज रहते थे। जब दिल्ली में इसका असर नहीं पड़ा तो बिहार में भी इन मुद्दों से बीजेपी शायद परहेज करे, ताकि सीएम नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों का वोट भी हासिल कर सके। दिल्ली में केजरीवाल के सामने बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं उतारा था, लेकिन बिहार में सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए चुनावी समर में उतर रही है। जबकि इसके मुकाबले फिलहाल महागठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं है जो नीतीश सरकार को टक्कर दे सके। केजरीवाल ने दिल्ली में कई ऐसी लुभावनी घोषणाएं कर रखी थी जिसका फायदा उन्हें मिला। सीएम नीतीश कुमार ने भी कई ऐसी लोक लुभावनी योजनाएं लागू कर रखी है जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। बिहार का चुनाव विकास के साथ साथ जातीय समीकरण से भी लड़ा जाता है और फिलहाल बिहार में एनडीए जातिगत समीकरण के साथ साथ अपने विरोधियों पर भारी है। जेडीयू के नेता और मंत्री अशोक चौधरी कहते हैं कि ठीक है कि हम दिल्ली चुनाव हार गए, लेकिन हार क्यों हुई है इसकी समीक्षा करेंगे और बिहार में ये गलती ना हो सके इसका भी ख्याल रखेंगे। इसके साथ ही अशोक चौधरी ये भी कहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव पर दिल्ली चुनाव परिणाम का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मसले पर बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा कहते हैं कि दिल्ली की हवा बिहार आ ही नहीं सकती है, क्योंकि बिहार में सिर्फ विकास की राजनीति ही होती है। अब आपको ही बतानी है कि बिहार में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ी जाती है, विकास के मुद्दों पर या जातीय मुद्दे पर, हमें कमेंट कर कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और यदि आप इसे फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा पेज को लाइक करें, और यदि आप इसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करें।